कवरेज कर रहे हैं। ये फ्री किक बिल्कुल डेंजरस जोन में, लेकिन यहाँ पर गोल करने का एक मौका और ये गोल, शानदार गोल मारखोर की टीम। और ये आप देखें कि थोड़ी सी गलती हुई गोलकीपर से शहरयार और उसके साथ साथ आमिर अब्बास ने गोल स्कोर किया और एक मौका मिला यहाँ पर मारखोर की टीम। ये है मारखोर की टीम जिन्होंने आते ही अटैक किया और अटैक में वो कामयाब हुए और उन्होंने गोल स्कोर करके फतह हासिल की है। ये आप देखें तालियों की गूंज है उनके डगआउट में और उनकी टीम ने बहुत ही महारत के साथ गोल स्कोर किया है। बहुत ही शानदार मुकाबला मारखोर की टीम जिन्होंने गोल स्कोर किया है। तो क्या कहेंगे शफीक आजम साहब, आपकी टीम माशाल्लाह पहले ही हाफ के अंदर और पहले ही मिनट के अंदर गोल को एक बार फिर मौका, और इस बार ये मौका उन्होंने गवाया और इस बार भी कोशिश की। मारखोर की टीम बेहतरीन एंट्री दी है और शानदार एंट्री से आगाज कर रहे हैं। जी शफीक मैदान में आएंगे वही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्टार्ट से ही हावी है प्रभाती गिल्स के ऊपर। अभी मैच के बिल्कुल इब्तदाई लम्हात ही हैं, एक गोल उन्होंने कर दिया है। ओ अब बेहतरीन मौका खलील के पास, लेकिन आमिर ने एक अच्छा बॉल बचाया है अपनी टीम के लिए। अब्बास को बागेल को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने साथी खिलाड़ी को बॉल दिया है बहुत ही खतरनाक शानदार के साथ, बिल्कुल डेंजर जोन के करीब है, उनके पास मौका है गोल करने का। शाहिद से ये गोल, शाहिद ने कोशिश जरूर की लेकिन ये असल टाइम पे अपने प्रेशर को कंट्रोल में लेना, गोल स्कोर करना, ये इस टाइम पता लगता है किसी भी प्लेयर का, क्योंकि शाहिद के पास बिल्कुल फ्री गोल था। अभी रिसेंटली एक चांस इन्होंने क्रिएट किया था, लेकिन जबरदस्त मौका देखते हैं, बहुत जबरदस्त गोल, बहुत ही जबरदस्त गोल। इस तरह कप्तान खालिक-उज़-ज़मान ने इस गोल स्कोर कर दिया यहाँ पे चित्राल मारखोर के लिए। जबरदस्त कमबैक इस टूर्नामेंट में चित्राल मारखोर की जानिब से खालिक-उज़-ज़मान, यही डिटर्मिनेशन के साथ आज वो निकले हैं इस मैदान में और उन्होंने कर दिखाया यहाँ पे, दो गोल दाग दिए हैं, दो गोल ही चाहिए उनको इस मैच में कामयाबी के लिए। अगर वो दो गोल से जीत जाते हैं ये मैच तो इनके इस टूर्नामेंट में चांसेस रहते हैं। दो गोल इब्तिदाई लम्हात में कर दिए हैं यहाँ पे। बॉल को छीना है उमर ने, गोल को एक बार फिर के पास मौका, लेकिन गोल करने में नाकाम और ये फ्री टाइम था उनके पास, बिल्कुल खाली गोल के अंदर सिर्फ उनको बॉल को टच कर देना था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बहुत तेजी की और वो गोल ना हो सके। खालिक-उज़-ज़मान पेशावर फुटबॉल लीग और हर प्लेयर की अब यही ख्वाहिश है यहाँ पर। और आप देखें कि विसल्स अलाउद्दीन ने बहुत उम्दा चेक किया, प्लेंटी किक आमिर के ऊपर, अब नजरें हैं पूरी टीम की, गोलकीपर बिल्कुल तैयार हैं। तहसीन है गोलकीपर आमिर और ये बेहतरीन के गोल करने में कामयाब हुए आमिर, तजुर्बेकार खिलाड़ी एक गोल स्कोर करने में कामयाब हुए। ईगल की टीम अब एक गोल की बतली है मारखोर के पास, अच्छा कम बैक किया है ईगल की टीम ने, अब ईगल के पास मौका है कि वो गोल स्कोर करे। जी आजम बताइएगा ये गोल हुआ है और आप देखें कि दूसरा हाफ शुरू हो चुका है, यहाँ पर फतह हासिल करें कोशिश पे कोशिश, लेकिन गोल किया है आमिर ने अपनी टीम के लिए। यह मौका है यहाँ पर उमर के पास, उमर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़े की हुई, उनके पास एक से दो खिलाड़ियों को डॉच करने का एक मौका मिला है, गोल करने का मौका और यह गोल, शानदार गोल उमर वंस अगेन, और ये दूसरा गोल उमर ने, बहुत ही शानदार गोल उमर ने, यकीनी तौर पर एक ऐसे टाइम के ऊपर गोल स्कोर करके अपनी टीम की बढ़तरी मजीद बढ़ा दी है और अब मजीद दो गोल की उनके पास फिर से बढ़तरी आ चुकी है 3-1। एक साइड पर अगर ईगल की टीम है तो दूसरी साइड पर मारखोर की टीम। नफाक ने बॉल छीना है यहाँ पर, कप्तान को बॉल दिया है, कप्तान आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, एक अमदा पास दिया है उमर, एक बार फिर साइड लाइन के जाने से बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़े, डेंजरस जोन में दाखिल हो चुके हैं उमर, उमर के पास बॉल है, उमर ने किक लगाई एक बार फिर बॉल के ऊपर से गई उमर की, बेहतरीन ये किक रायगा गई, उमर बिजली की तरह भाग रहे हैं और बिजली है उमर, कहीं ना कहीं पे वो गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपने साथी को बॉल दें। उमर काफी तेजी के साथ एक बार फिर डेंजर जोन में दाखिल हुए, उमर ने एक बार खिलाड़ी को डॉच किया, एक खिलाड़ी को डॉच करने के बाद कप्तान के पास बॉल गया, मौका है गोल करने का और इस बार भी ये मौका उन्होंने जाया किया, एक आसान सा मौका, फ्री किक बिल्कुल गोलकीपर को सिर्फ बीट करना था और ये गोल आपने कर देना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, गोल स्कोर किया है
अब्बास आ गया है, किक लगा की एक बार फिर मौका है उमेर के पास गोल करने का, लेकिन इस बार उमेर ने फिर से गलती की और वो गोल में कन्वर्ट ना कर सके। यहाँ पर मारखोर की टीम अगर मजीद गोल करने में कामयाब होती है तो उनकी पोजीशन मुस्तहकम रह सकती है इस टूर्नामेंट के अंदर, उनका सफर रह सकता है, लेकिन इस बार ग्राम ने ऑफसाइड करार दिया है। लेकिन यहाँ पर रेफरी ने विसल बजाई और इसका ये फैसला हुआ है कि मारखोर की टीम जिनको तलाश थी किसी जीत की और उसी जीत को लेकर उन्हें कामयाबी मिली है इस मैच के अंदर।